नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आप देख रहे हैं वीपीटीवी। पंजाब सरकार की ओर से नशे के आदि युवकों के इलाज और उनको दोबारा रोजगार पर डालने की रणनीति के तहत मोगा जिले के गांव जनेर में बने नशा छुड़ाओ केंद्र में आज पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री श्री बरहम महिंद्रा ने ओपीडी सहायता के तहत प्रोग्राम असिस्टेंट ट्रीटमेंट का उद्घाटन किया, जहां पर नशे में लिप्त लोगों को नशे से रोकने के लिए हर रोज दवाई दी जाएगी। इस अस्पताल में नशा छोड़ने और युवकों को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत देना ही उनका एक मकसद है। इस केंद्र में सातों दिन मरीजों को दवाइयां दी जाएगी। आज पंजाब के तीन केंद्रों मोगा, तरनतारन और अमृतसर में इसे इसकी पैच आज पंजाब के तीनों केंद्र मोगा, तरनतारन और अमृतसर में इसकी शुरुआत की गई। और यहां पहुंचने पर मंत्री जी पहले जिले के उच्च अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग ली और उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद वो जनेर गांव पहुंचे। इस मौके पर मंत्री जी ने बताया कि इस केंद्र के खुलने से नशे के मरीजों को नशा छोड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। पहले इन मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया जाता था, लेकिन अब इन मरीजों को दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए स्पेशल डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी भी समय मरीज दवाई ले सकता है। और डॉक्टरों की नियुक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने फार्मासिस्ट की भी भर्ती का भरोसा दिया है। कोई नहीं हो रहा, सारे बच्चे रात में जम रहे हैं क्योंकि उस रात में इंसेंटिव मिल रहा है। मैनुपुलेशन हो रही है डिलीवरी टाइम की। सर ये तो थोड़ा की कहना, दो बार मैं खबर लगा चुके हैं। देन मैं समझ आई है, मैं पार पढ़े थोड़ा। आई एम गोइंग टू लुक इनटू दिस मैटर। आई स्टडी दिस, ये क्यों हो रहा है। आई स्टडी दिस, आई एश्योर यू आई स्टडी दिस एंड आई टेक एक्शन। ऐसी कोई गल हैगी है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। एक्शन मीन्स कि यही नहीं कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है, जरा कोई इस गल सुधारण लिए स्टैप है वो चके जाएंगे। एक सर ये तुम्हें कमेटी भी बिठाई है सर तेन नहीं ऐसी कोई कमेटी नहीं। तीन मैंबरी कमेटी है जी, और सीएमओ मोगा, एक हेल्थ डायरेक्टर है शायद, एक मेंबर हो रहा है फार्मासिस्ट करके लड़के है, बहुत ज्यादा तादाद बैठे जॉब उन्होंने मिलती नहीं है। प्राइवेट अपना काम नहीं कर सकते, ड्रग लाइसेंस सरकार वालों बंद किए हुए हैं। की पॉलिसी ले रहे हैं उसके जी? मैनू मिले सी सर, असी उन्होंने रिक्रूटमेंट का बंदोबस्त कर, मैं पोस्टा फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मंगिया ने। मैनू पोस्टा की जिस वे क्लीयरेंस हैगी एडवरटाइज करके पक्के रखा गया। सर आज के फादर या ओल्ड बंदे है वो कैमिस्ट शॉप खोलते हैं, उन्होंने बेटे को लाइसेंस नहीं मिल रहा जी, क्यों हो जाएगा? वो भी डी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, ठीक है। उस स्टडी कर रहे हो क्यों बंद किए हुए ने? मेरे आने तो पहले तो बंद है, पूरी स्टडी कर रहे हैं, पर इन्ना भी स्ट्रिक्ट नहीं है कदम कि असं बंद बिल्कुल ही किए हुए ने। ਪਚਵੰਜਾ ਸੌ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।